नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तैनात सेना के जवान रामस्वरूप कसवा के सिर में गोली लगने से शहीद हो गए। रामस्वरूप कसवा बीकानेर की नोखा तहसील के पांचू गांव के निवासी थे। वे श्रीनगर में अनंतनाग में सेना की 65 रेजिमेंट में तैनात थे। मंगलवार को सुबह उनके सिर में गोली लग गई और उन्हें तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी पार्थिव देह आज बीकानेर लाई गई और सुबह सेना द्वारा उनके पैतृक गांव पांचू ले जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उनके उसी दौरान उनके परिजन और समाज के लोग जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय के आगे जमा हो गए और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सैनिक की मौत को आत्महत्या बताए जाने का विरोध करने लगे। उनका आरोप है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने शहीद रामस्वरूप कसवा की मौत को बिना किसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आत्महत्या बताया है। इस बात को लेकर बड़ी तादाद में शहीद समाज के लोग इकट्ठा हो गए और विरोध करने लगे। इसी दौरान सेना द्वारा शहीद का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ ट्रक में रवाना किया गया तो शहीद के समाज के लोग ट्रक के आगे जमा हो गए। उनका कहना था कि पार्थिव शरीर पांचों ले जाने का समय उन्हें 8:45 बजे का दिया गया था, लेकिन सुबह ही रवाना कर दिया गया। उन्होंने जब ज़्यादा विरोध किया तो सेना के अधिकारी पार्थिव शरीर को वापस सेना परिसर ले गए। शहीद रामस्वरूप के परिजन सीताराम और पप्पू सियाग का कहना है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बिना किसी आधार के शहीद की मौत को आत्महत्या बताया है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जबकि सेना द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सेना के अधिकारियों का भी यही कहना कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बगैर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शहीद रामस्वरूप कसवा बीकानेर के नोखा तहसील के पांचों गांव के रहने वाले थे और पांच भाइयों में चौथे नंबर पर थे। उनके एक बड़े भाई श्रीराम कसवा सेना में लिपिक के पद पर कार्यरत है। उनकी माता रामप्यारी और पिता मोटाराम पांचू में ही रहते हैं। उनका परिवार मूल रूप से नोखा के केडली गांव का रहने वाला अभी पांचू में रहता है। शहीद रामस्वरूप की शादी 15 मई 2023 को अणखी सर की रहने वाली कौशल्या से, उनकी कोई संतान नहीं है। गोली लगने से थोड़ी देर पहले रामस्वरूप के अपने घर वालों से बातचीत हुई थी और उनके हालचाल जाने थे। शहीद रामस्वरूप कसवा की शहादत पर सांसद और जाट नेता हनुमान बेनीवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने रक्षा मंत्री को ट्वीट करके कहा कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सैनिक की मौत को आत्महत्या बता दिया। शहीद रामस्वरूप कसवा के परिजनों को सरकार द्वारा सभी लाभ दिए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस।